हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज। सर, आज के जो आपके संबोधन में एक चीज़ आपने बोली कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो भी बॉयंस रहेगा, और आपने बैंकों से और कंपनियों से कुछ डेटा मंगाए जो उम्मीद दे रहे हैं कि ये कलेक्शन ज़्यादा है, तो किस तरह की ये प्रक्रिया है और क्या वहाँ से संकेत आ रहे हैं? नहीं, एज सच तो नहीं है। अभी बैठ के मैंने एक बैठक की अपने प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के साथ, तो अभी तक जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उससे ये इंडिकेशन है कि ठीक रहना चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा पता लग पाएगा 15 जून के बाद, जो कि पहला दिन है एडवांस टैक्स पेमेंट का। एक बार जब वहाँ एडवांस टैक्स आता है, कितना आता है, उसके बाद हम पक्के तौर पे कह पाएंगे कि किस तरह का इंडिकेशन है। पर मुझे जो अभी तक बातचीत करने से इंडस्ट्री ट्रेड से पता लगता है कि हमारा डायरेक्ट टैक्सेस में अच्छा प्रदर्शन रहेगा। नहीं सर, जो आपने बात कही कि डेटा जो हमारे पास बैंक से और कंपनियों से आ रहा है, तो वो किस तरह का डेटा है और उसको आप कैसे देख रहे हैं? बात करते हैं बैंक्स के साथ, कंपनीज के साथ, जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं, कि वो किस तरह का टैक्स देंगे जून में या किस तरह का अपना इनकम देख रहे हैं, तो उससे हमें ये प्रतीत होता है कि अच्छा प्रदर्शन रहेगा उनका। अगर उनका अच्छा रहेगा तो वो टैक्स भी देंगे, तो हमारा भी ठीक रहेगा। सर, एक और चीज़ जो आपके द्वारा बोली गई कि जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कस्टम्स के अंदर जिस तरह से ड्यूटी वगैरह चेंज हुई है तो वहाँ पर कुछ चिंताएं हैं, तो ओवरऑल उसका सर कहाँ से भरपाई की जाएगी? नहीं, मैं चिंता की बात तो नहीं कहूँगा। मैं ये कह रहा था कि हमने एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स में कुछ सेक्रीफाइस किया। वो इसलिए सेक्रीफाइस किया कि इन्फ्लेशन को हमें थोड़ा सा नीचे लाना था, जिसकी वजह से हमने एक्साइज ड्यूटी फ्यूल पे कम की है, कस्टम ड्यूटी एडिबल ऑयल पे, पल्सेस पे, इन सब चीज़ों पे कम की है। उससे कुछ घाटा होगा रेवेन्यू में, लेकिन जीएसटी में जितना हम उम्मीद कर रहे थे उससे शायद ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी भरपाई होगी। कुछ डायरेक्ट टैक्सेस में भरपाई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा बजटेड एस्टीमेट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मिला के, उससे हम ज़्यादा ही करेंगे, उससे कम नहीं करेंगे।